हाँ बात करिए सर जी। हेलो हेलो सर जी, जमशेद अली भाई बोल रहे हैं ना? जी जी यार, वो नहीं बोल रहा सर जी। अल्लाह, हेलो। हाँ एक मिनट अभी। તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એને તમારા કોલને હોલ્ડ પર રાખ્યો છે, કૃપા કરીને લાઈન પર રહો। હેલો, હા બોલીએ। હેલો, હા કે હેલો, ખાસે તો કુછ બોલવા નહી, બોલો બોલો બોલો, અવાજ ના દો। હા હેલો, હા હા હેલો, અવાજ આ રહી ભાઈ યાર? હા અવાજ આ રહી, મુજે બતાઈએ। मैं कह रहा हूँ देखो, आपके 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 दोस्त को आपकी कितनी फिक्र है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी, कि भाई आप गलत रास्ते की तरफ निकल पड़े हैं, तो इसको सीधे रास्ते की तरफ लेके आइए। देखिए वही तो है, वल असर जो अल्लाह तआला ने निकाला, वल असर मिल इंसान अल्लाह की खसरे। समय जमाने की सारा इंसान खसारे में, वो इंसान खसारे में नहीं जिसने नेक अमल किया, दूसरों को नसीहत किया गया। मुझे ये बताइए, करने साथ साथ और दूसरों को भी नसीहत आपको करना है, तभी आप बारे में नहीं है। खाली खुद अमल करके आप सोच रहे हैं बच जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ तो मुझे ये बताइए आप कि आप जिस जमात में अभी जा रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई आप अपने मसलक को क्यों छोड़ रहे हैं? मसलक का जैसे कि अगर मसलक बनी बात, जिसे हमने कहने का मतलब ये, जैसे हम जो अलहमदिल्ला जो भी देख के कर रहे हैं, किसी का जमीन कब्जा कर लिया। नहीं नहीं, एक बार वो आके कागज अपना आके दिखा रहा है कि ये जमीन मेरी है। तो भाई जिसका गवर्नमेंट तो ये मानेगा, जिसकी कागज है उसी के मानेगा। अच्छा एक बात बताइए कि जज जो कार्रवाई करता है, जज जो फैसला सुनाता है, तो वो दोनों कागज को देख के सुनाएगा, एक को देख के सुना देगा? तो नहीं नहीं, जब से कागज दोनों नहीं देखेगा, दोनों का बात पच का नहीं सुनेगा, तब से वो कार्रवाई काम ही नहीं करेगा। तो आप एक कागज को देख करके काहे के लिए उस पे तरह फैसला कर रहे हैं अपना? एक कागज हमने नहीं देखा है आलिम साहब, हमने दोनों कागज को देखा है। कैसे देखा? उसके बाद रिसर्च किया है लगभग कई साल से। कैसे देखा? कितना कागज, मतलब आलिमों की निगरानी में देखा है कागज। कैसे 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 बताइए? आलिम से जैसे कोई सवाल हमसे उठता था, हम जाके आलिम आलिम साहब से पूछते थे कि देखिए ये मसलक वाला ये सवाल हमसे कर रहा है, मतलब आपके पास कहाँ है, मतलब समझा नहीं, दोबारा बताइए। जैसे कोई हमसे दूसरा मसलक का सवाल मान लीजिए किया हमसे, तो हम आलिम साहब के पास गए, आलिम साहब देखिए ये मसलक वाला मुझे अपना कागज दिखा रहा है, हमारा कागज कहाँ है, लाइए दिखाइए अपना हमारा कागज। तो वो नहीं दिखा पा रहे थे, तो मसला। हाँ तो देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात कि आलिम जो होता है ना, आलिम जो होता है, आलिम के जहन में इतनी बातें उस वक्त नहीं होती है, लेकिन जो आदमी बात सुनिए ना भाई, थोड़ा सुनिए तो सही, थोड़ा सुनने का भी मादा रखिए। अभी मैंने आपको चार हदीसें और चार कुरान की आयतें दे दी, ठीक है, आपने उसको रट्टा लगा लिया, आपने उसको देख लिया। अब इसका सवाल आप जाके मस्जिद के आलिम से पूछते हो, तो ये बताइए मस्जिद का आलिम पूरे दिन तो नमाज पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, सुबह शाम पूरे दिन वो रहता है बिजी, उसके जहन में सिर्फ मुफ्ती से पूछा था, मुफ्ती जो जो मुफ्ती होते हैं उनसे पूछा था। चलिए आप हमसे पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जो सवाल आपने मुफ्ती से पूछा था वो हमसे पूछिए, क्या पूछा था आपने? हमने तो कई पूछा था, आपसे हम ये पूछना चाहते। आप हमसे पूछिए, हाँ बताइए। जो कुरान में सूरह लुकमान जो है कुरान में, हाँ लुकमान इस्लाम अपने बेटे को नसीहत करे थे, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मेरे बाद किसकी क्या करोगे? मेरे बाद लुकमान इस्लाम ने अपने बेटे से नसीहत करते थे, हाँ मेरे बेटे जान मेरे मरने के बाद आप किसकी इबादत करोगे? हाँ तो उसने कहा कि मैं आपके रब की इबादत करूँगा। हाँ
आपके लिए आपका शरीक नहीं करूँगा, मतलब आपके रब की ही इबादत करूँगा। ठीक है, तो यही मसला है कुरान में, आप जब खाएंगे सूरह यूनुस ये जो आयत है, ये जो आयत आप मुझे बता रहे हैं, ये आपको किसी ने बताई होगी है ना? नहीं हम तो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप पढ़ते नहीं है, आपको किसी ने, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने अपने बेटे से कहा कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, आपके रब की इबादत करेंगे, तो हम तो बेशक, तो बेशक हम तो अल्लाह के रब की, अल्लाह की ही इबादत करते हैं, और किसकी इबादत करते हैं हम लोग? शरीक वाला भी आ गया ना, किसी को शरीक भी तो है, किसी को शरीक नहीं करना, ठीक है, फिर जात में अफाल में किसी को रब नहीं बनाना, ठीक है ना? तो आप मुझे ये बताइए कि रब बनाने से मुराद ये है कि हमको ये जिंदा हो या वो दुनिया से चला जाए। मिसाल के तौर पे कोई जिंदा आदमी आपके सामने खड़ा है और आपने उसको ये कहा, भाई मैं तुमको माबूद समझता हूँ, मैं तुमको रब समझता हूँ, तो ये भी शरीक हो गया। अगर वो शख्स मर गया और मरने के बाद भी अगर आप ये कहेंगे कि भाई मैं तुझको माबूद समझता हूँ, तो भी शिर्क हो गया। शिर्क की डिफिनेशन कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है? तो शिर्क शिर्क होता है हमेशा, समझ गए बात को? अच्छा हाँ। अब रही दूसरी चीज के क्या अल्लाह ने अपने अंबिया को, औलिया को, शहदा को, सहाबा को ये खास मर्तबा क्यों अता किया है, एक खास इनाम क्यों अता किया? मिसाल के तौर पे एक आम आदमी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता मर्तबे में, हालांकि सहाबी को भी अल्लाह ताला ने दो हाथ दिए, दो पैर दिए, सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, हमें भी वही चीज दी है, ठीक है? लेकिन एक आम आदमी, दोनों को अगर किसी सहाबी रसूल को और एक आम आदमी को बराबर में खड़ा कर दो तो दोनों सेम दिखेंगे कि नहीं? बिल्कुल दिखेंगे। लेकिन अल्लाह ने मर्तबा किसका बढ़ाया है? सहाबी का, मतलब आम आदमी सहाबा के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है? ऐसा क्या किया सहाबा ने जो आम आदमी सहाबा के बराबर नहीं हो सकता? उन्होंने अल्लाह की वो इबादत करके दिखाया, अल्लाह के रसूल की वो पैरवी करके दिखाया जो आम आदमी नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो हम सहाबी को खुदा नहीं बना सकते, हम सहाबी को खुदा से जुदा भी नहीं कर सकते। अब आइए अल्लाह के वली की तरफ, एक अल्लाह का वली और एक आम आदमी बराबर हो सकते हैं? जो नेक है नेक और बद बराबर नहीं, अच्छा बुरा बराबर नहीं। अरे मैं नेक की बात कर रहा हूँ, चलिए रात बराबर नहीं, बात सुनिए, मैं रात बराबर नहीं, मैं नेक बराबर नहीं, भाई सुनिए ना, मैं नेक मोमिन की बात कर रहा हूँ। नेक मोमिन कोई मुफ्ती है, चलिए ठीक है, कोई मुफ्ती है, नेक मोमिन है, तो वो नेक मुफ्ती जो है वो वली की बराबरी भी आ सकता है? पहले सोचना पड़ेगा आपको, पहले आपको समझना पड़ेगा, पहले आपको समझना पड़ेगा वली किसको कहते हैं। बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ऐसे शख्स को देखो कि जिसके बाल गुबार है और जिसके कपड़े मैले कुचैले हैं और वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, खुदा की कसम अगर हाथ उठा के अल्लाह से जो मांगे अल्लाह उसको अता करेगा। ये बुखारी की हदीस है, ये अल्लाह के वलियों के बारे में और मजदूर के बारे में अल्लाह के रसूल ने पेशन गोई कर दी, ठीक है? आप आगे चलिए, इसी बुखारी की हदीस है जिल्द दो में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह उसका हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसके पैर बन जाता है जिससे वो चलता है, अल्लाह उसका मुंह बन जाता है जिससे वो बोलता है। अब अल्लाह के पकड़ने की कोई हद नहीं है, अल्लाह के देखने की कोई हद नहीं है, अल्लाह के सुनने की कोई हद नहीं है, अल्लाह के क्या कहते हैं किसी भी चीज की कोई हद नहीं है, लेकिन अल्लाह यहाँ कह रहा है मैं उसका सब कुछ बन जाता हूँ। अब ये मैं आपको कुरान से साबित करता हूँ, सुनिए। तो पता ये लगा कि जब अल्लाह का कुर्ब हासिल बंदा कर लेता है तो वो अल्लाह का नेक पुकार बंदा बन जाता है और वो
उसकी हद और उसकी करामत की जो हद है इस हदीस में कहीं बयान नहीं की है कि कितनी है, और मिसाल दी है कि अल्लाह की आंखों से अल्लाह के हाथों से। ठीक है, अब चलिए ये बताइए कुरान आपने पूरा पढ़ा है? हाँ पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ये बताइए सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक्या पूरा पढ़ा है आपने? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम का। चलिए ये बताइए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बिल्किस का तख्त मंगवाया था, जो बिल्किस बादशाह एक रानी थी जो हजरत सुलेमान से मुलाकात करने के लिए आ रही थी, कई हजार किलोमीटर दूर से वो आ रही थी सफर करके, तो उसका एक तख्त होता है, वो तख्त इतना बड़ा है और उसको एक एक हजार आदमी मिलकर के उठाते थे, और उस तख्त को बिल्किस जब वहां से चली तो उस तख्त को अपने साथ में तहखाने में बंद करके निकली थी। ठीक है, तो हजरत सुलेमान अलैहि सलाम अपनी मजलिस में जिन से पूछते हैं ऐ जिन ये बता कि बिल्किस का तख्त मुझे यहाँ चाहिए, उसके आने से पहले तू ला सकता है? तो जिन कहता है कि हाँ मैं उसको तनहा भी उठा सकता हूँ, और मैं उसको आपके उठ के बैठते और उठने से पहले यहाँ ला सकता हूँ। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तू रहने दे, उसको मना कर दिया। फिर वहां एक अहले किताब के आलिम बैठे थे, अल्लाह के वली, उनसे कहा ये हजरत क्या आप ला सकते हैं? तो कहा, अपनी आंखों को बंद किया उन्होंने, कहा कि हाँ मैं उस तख्त को तुम्हारी पलक झपकते मैं यहाँ ला सकता हूँ। तो हजरत सुलेमान ने उनको इजाजत दी, और हजरत सुलेमान ने जब अपनी पलकों को झपका वो तख्त उनके बराबर में रखा हुआ था पाया। आप बताइए कि वो अल्लाह का वली कई हजार किलोमीटर दूर देख भी रहा है और तख्त को उठा करके भी ले आया, समझे, वो उठा कर भी ले आए। तो हजरत सुलेमान ने अल्लाह से दुआ क्यों नहीं की कि अल्लाह मैं तो तेरा नबी हूँ और उनका मर्तबा तो ज्यादा है, और ऐसा नहीं कि हजरत सुलेमान नहीं ला सकते थे, लेकिन हजरत सुलेमान को ये दिखाना था कि अल्लाह के मुकर्रब बंदे भी ये काम कर सकते हैं। तो हजरत सुलेमान के कहने पर वो वली पलक झपकते उस तख्त को ले आए। तो क्या उस मजलिस में उन वली का मर्तबा बड़ा हो जाएगा अंबिया से? नहीं। क्यों? क्योंकि हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने और अमल किया अल्लाह के वली ने। हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने, अमल किया अल्लाह के वली ने। अगर ये वाक्या कुरान के अलावा किसी और किताब में लिखा होता तो अहले हदीस ये कह सकता था कि भाई ये फेक है, हम इसको नहीं मानेंगे, लेकिन अल्लाह की शान ये कुरान के अंदर मौजूद है। इसको मानना क्या, इसको तुम्हें मानोगे नहीं तो तुम काफिर हो जाओगे। तो ये पता लगा, हाँ सुनिए, ये पता लगा कि अल्लाह ताला ने अपने वलियों को जो बारे में जो कुरान और हदीस में इरशाद फरमाया है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, तो अल्लाह के वली के हाथ की कोई हद नहीं है। समझे नहीं समझे? अभी तो मैं कुरान ही पढ़ रहा हूँ, हदीस पर अभी तो हदीस पर मैं आया नहीं। हाँ। ये सब पहलू आपको अहले हदीस नहीं सिखाएगा। आप सुनिए अब मामला ये है कि इन लोगों का मामूर क्या बन गया है कि 40 दिन में आलिम की डिग्री दे देते हैं और उनको सिर्फ कुरान की चंद आयतें और हदीस की चंद हदीसें दे करके, और ये आयतें और ये हदीसें ईमान वालों के कब्र पे चस्पा देते हैं। इस पर बुखारी शरीफ की हदीस है, अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उसको बदतरीन मखलूक समझता हूँ जो कुरान में बुतों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को ईमान वालों की कब्रों पे चस्पाते हैं। मैं उनको बदतरीन मखलूक समझता हूँ, बदतरीन है, खारिजी हैं वो लोग जो कुरान में बुतों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को ईमान वालों पे चस्पाते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मिन दूनिल्ला की जितनी आयतें जिसकी पेशनगोई बुखारी में हो चुकी है, जितनी मिन दूनिल्ला की आयतें, मिन दूनिल्ला से मुराद बुत है, वो सारी आयतों को ये औलिया अंबिया की कब्र पे चस्पा देते हैं। ये कहते हैं कि औलिया अंबिया की कब्र पर जाना, वहां क्या कहते हैं अल्लाह के तबारक व तआला का वसीला, उनके वसीले से दुआ करना, ये सब शिर्क है, हराम है।
अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह रसूल ने भी तो दुआ किया था कि मेरी कब्रों को सजदा गाना बनाना, मेरी कब्रों को सजदा गाना बनाना, मेरी कब्रों को जैसे ईसा ने। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, अपने माबूद को खुदा बना लिया। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कब्रों को सजदा गाना बनाना, इससे मुराद कि मुझे ईसा अलैहिस्सलाम की तरह माबूद ना बना देना, मुझे खुदा ना बना बैठना, क्योंकि उस दौर में, हाँ उस दौर में ऐसे लोग मौजूद थे जो हल्का सा कुछ भी देख के, चमत्कार देख के, कुछ देख के उसको खुदा बना बैठते थे, और आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। मतलब ये शेख, अभी सुनिए तो, अभी सुनिए तो, अभी अभी नया नया रिसर्च आ रहा है, समझिए नया एकदम रिसर्च आ रहा है, वो लोग एक 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 फोटो फोटो एक अभी एक अभी सुनिए तो जरा, मेरे फोटो एक लिए हैं अभी, मतलब वो गैलेक्सी का मतलब कितनी आसमान में कितनी मतलब कैसे कैसे कसकाए हैं, मतलब कितनी दुनिया है, वो लोग खुद ही कंफ्यूज हो, मतलब घबरा गए, मैं कह रहा हूँ मतलब वो है। अरे आप अतल कुर्सी में अल्लाह ताला कहता है, अतल कुर्सी में कि मतलब मेरे सामने कौन है जो किसी की शिकायत कर सके। भाई सुनिए ना, बंदों के तमाम बिल्कुल सही फरमाया, किसी के साथ जानता हूँ, बिल्कुल सही फरमाया, मेरे कुर्सी ने सारे आसमानों को घेरे हुए, बिल्कुल निगरानी से मुझे जरा भी बोझ नहीं। अच्छा मैं आपको मैं आपको बताता हूँ, देखिए मिसाल के तौर पे अल्लाह भी मालिक है पूरी कायनात का, जमीन के कतरे कतरे का, ठीक है ना। तो आप जिस मकान में रहते हैं, आप जिस मकान पे रहते हैं, तो अगर कोई शख्स आपके पास आता है कि भाई इस मकान का मालिक कौन है, कोई सर्वे करने वाला आता है, तो आप कहते हैं इस मकान का मालिक मैं हूँ, ठीक है। अब कोई शख्स आपसे ये कहे कि भाई मालिक तो अल्लाह है, तुमने अपने आप को मालिक कैसे बनाया, तुमने शिर्क कर दिया, ठीक है। तो आप उसको ये कहेंगे भाई वो हकीकी मालिक है, मैं अताई मालिक हूँ, अल्लाह ने मुझे अता किया है, अल्लाह ने मुझे इस मकान का मालिक बनाया है, तो मैं अताई मालिक हूँ, अल्लाह का मालिक वो मालिक नहीं हूँ हकीकी मालिक जिसको तुम बता रहे हो, ठीक है। अब जब आप जब मालिक जो आप हकीकी मालिक अल्लाह ही है, बिल्कुल सब वारिस है, यहाँ पे दूसरा मरता है, तीसरा मालिक है, चौथा मरता है, लेकिन दुनिया वही मैं आपको कौन है बादशाह, कहाँ गए बादशाह, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए पहले मेरी बात को। अल्लाह ताला हाल में आ जाएगा, सुनिए सुनिए, हमारा भी थोड़ा सा सुन लीजिए, आपका सुनेंगे, तीन बार अल्लाह ताला गुहार लगाएगा, आज कहाँ गए बादशाह, जिसे बड़े बड़े बादशाह बनते थे, कहाँ गए बादशाह, सबको अल्लाह ताला मौत दीजिएगा। मेरी बात को आप समझे नहीं, मेरी बात को आप समझे नहीं, मिसाल के तौर पे कोई सर्वे करने वाला आपके घर आया, वो तो हम समझ गए, नहीं समझे नहीं ना आप, उसकी बारीकी नहीं समझे, वो समझिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, कि आप उसके पास आए, हम ही मालिक हैं, आपने ये कहा इस मकान का मालिक मैं हूँ, इस मकान का मालिक मैं हूँ, अब कोई नासमझ आदमी, बेवकूफ आदमी आपके पास खड़ा हो और ये कहे कि भाई अल्लाह ताला ने तो ये फरमाया है कि मैं तमाम कायनात का मालिक हूँ, और तुमने ये कैसे कह दिया कि इस मकान के मालिक तुम हो, तुमने शिर्क कर दिया, तो ऐसे शख्स को आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, इन समझाएंगे सुनिए, और वो ना समझा तो क्या करेंगे, हाँ सुनिए, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैं ही मददगार हूँ हर एक कायनात का, मेरी इजाजत के बगैर कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन जब आप सूरह तहरीम पढ़ेंगे आयत नंबर 4, सूरह तहरीम आयत नंबर 4, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तुम्हारा मददगार है अल्लाह, हाँ, और जिब्राइल, दूसरी बार किसको फरमाया अल्लाह ने, जिब्राइल, फिर आगे फरमाता है नेक मोमिन सालिहीन बंदे, फिर आगे फरमाता है तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर हैं, तो सबसे पहले अल्लाह ने किसको रखा, अपने आप को, इससे क्या मुराद लिया आपने कि अल्लाह ही मददगार है, लेकिन अल्लाह ने इन सबको मददगार बनाया है, जैसे मिसाल के तौर पे
अल्लाह चाहे तो अपने सिर्फ खाली वो इतना कह दे कुन फाया कुन कि हो जा वो हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह चाहे तो एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए अल्लाह चाहे तो खाली इतना कहे ऐ बारिश हो जा, लेकिन बारिश के लिए खास फरिश्ता क्यों मुकर्रर किया गया? जी क्योंकि अल्लाह ने उसको अता किया है बारिश अल्लाह ताला ने बारिश का फरिश्ता मुकर्रर किया, सुनिए ना, इस्लाम को सूर को देके सुनिए अल्लाह ताला मैं वहीं से आ रहा हूँ, आप खामोश रहिए दो मिनट। अल्लाह ताला ने बारिश का फरिश्ता क्यों मुकर्रर किया और ये क्यों कहा फरिश्ते को कि तेरा काम है बारिश बरसाना, और बारिश बरसाना किसका काम है? हम जानते हैं अल्लाह का, लेकिन अल्लाह फरिश्ते को कह रहा है तेरा काम है बारिश बरसाना, ठीक है, और जहाँ लेकिन फरिश्ता मुकर्रर किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब हुकुम ऑलरेडी ने अल्लाह ताला ने उसको दे दिया कि तुम। अरे भाई ये तुम और हम जानते हैं ना कि अल्लाह ताला हुकुम देगा तभी वो बारिश बरसाएंगे, तो उनको बीच में लाने की क्या जरूरत थी, अल्लाह ताला तो डायरेक्ट बारिश बरसा सकता था ना। अब ये बताइए रूह निकालने के लिए मलकुल मौत आते हैं, तो क्या अल्लाह ये नहीं कह सकता था मलकुल मौत तेरी क्या जरूरत है, रूह निकल जाती तो मलकुल मौत तो आने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला ने बीच में क्यों उनको रखा, क्यों रूह निकालने के लिए मदद ली अल्लाह ताला ने रूह मलकुल मौत से? अब ये बताइए आपके कंधे पे दो फरिश्ते हैं, एक नेकी लिखता है और एक बदी लिखता है, तो अल्लाह ताला को नहीं मालूम है कौन मेरा नेक मोमिन है कौन मेरा नेक मोमिन नहीं है, फिर ये नेकी क्यों लिखवाता है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह मुल्क पढ़ेंगे मतलब हमने मौत और जिंदगी बनाई ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले सके, तुम्हें से करने वाला है तो अल्लाह को इम्तिहान लेने की क्या जरूरत है? अच्छा मैं बता रहा हूँ ना, अल्लाह ताला क्या ये नहीं मालूम अल्लाह ताला को कि मेरा बंदा कैसा है? मालूम है आप सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हम अपना कहाँ बोल रहे हैं भाई, आप मेरे बीच में बोलेंगे तो ना आपको समझ में आएगा ना मेरे समझ में आएगा, जब मैं आपको बोलूँ कि अब आप बोलिए तो आप बोलना। अच्छा चलिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पीर के दिन तुम्हारे नामाल आमाल जो है वो रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अब मुझे बताइए अल्लाह के रसूल ने बताया पीर के दिन तुम्हारे नेक आमाल जो है तुम्हारे आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं, तो अल्लाह के आगे तुम्हारे आमाल पेश करने की क्या जरूरत है? अल्लाह को नहीं मालूम है कौन मेरा नेक मोमिन है कौन मेरा बद मोमिन है, अल्लाह को सब मालूम, तो फिर पेश क्यों किए जाते हैं? क्यों अल्लाह ने फरिश्तों को ये काम के लिए मुकर्रर किया मददगार बनाया? निजाम बनाया है दुनिया, ये जो दुनिया बनाया उसका निजाम पूरा सिस्टमेटिक बनाया है, तो मेरे भाई अल्लाह को क्या मेरी बात नहीं समझे, अल्लाह को क्या जरूरत है फरिश्तों से काम लेने की? इस आयत में अल्लाह ताला ने वही तो फरमाया कि तुम्हारे मददगार हैं फरिश्ते तमाम फरिश्ते, यहाँ पे जो आयत है उसका मफहूम समझा रहा हूँ आपको, सबसे पहले मैं आपको फरिश्तों का काम समझा रहा हूँ कि अल्लाह ने फरिश्तों को कहाँ कहाँ मुकर्रर किया है, समझे? चलिए ठीक है, अब आइए नेक मोमिन सालिहीन बंदे पर, चलिए ठीक, अब आइए नेक मोमिन सालिहीन बंदे पर, ये बताइए कुरान जब हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना जी, हम क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जी। तो अगर हम किसी की तारीफ करेंगे तो क्या शिर्क हो जाएगा अल्लाह के अलावा? नहीं होगा ना, नहीं समझे मतलब, इससे अल्लाह ताला साझेदारी बनाएंगे नहीं सुनिए,
जैसे मिसाल नहीं नहीं मिसाल मैं बता रहा हूँ कि सब तरह की तारीफ, सब तरह की तारीफ में हर एक चीज आ गई। ये एक वर्ड आप एक आप मेरा भी सुन लीजिए, नमाज नमाज है, हम कह रहे हैं कुल अल्लाह तआला नहीं तारा, इसका मतलब क्या है कुल हो अल्लाह अल्लाह तआला एक है। अरे भैया आप कहीं और जा रहे हैं, मैं आपको कहीं और लेना जाना चाह रहा हूँ, इसमें कुल अल्लाह कहाँ से आ गया? मैं कह रहा हूँ उसका कोई हमसर साझेदारी पार्टनर कोई उसका, चलो कोई नहीं है। अब ये बताइए ये बताइए ये बताइए यहाँ पे जो अल्लाह ने फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका माना क्या है? हाँ, क्या माना है इसका? सब तारीफ, सब तारीफ, सब तारीफ में अल्लाह ही के लिए है। तो अगर हमने अल्लाह के अलावा, जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये कह दिया कि मेरा बाप बहुत अच्छा इंसान है और बहुत बढ़िया है, ये हमने अपने बाप की तारीफ कर दी? माशाल्लाह नहीं, हमने नहीं लगाया माशाल्लाह। अरे हमने नहीं लगाया माशाल्लाह, सुधारिए उसको, सुधारना। नहीं नहीं, एक मिनट सुनिए, जैसे मिसाल के तौर उसको तंकीद करिए, कैसे मत बोलिए आप, माशाल्लाह बोली थी, माशाल्लाह आपने बहुत। भाई भाई सुनिए ना, सुनिए ना, किसी ने माशाल्लाह नहीं बोला और उसने ये कहा, सजेशन करिए उसको। अरे तो भाई वो तारीफ तो कर रहा है ना अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा तारीफ कर रहा है, मना करिए कि सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है। सब तारीफ अल्लाह ही, तो वो शिर्क कर दिया किसी ने अगर ये कह दिया, गलत 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 कर रहा है। नहीं, गलत कैसे कर रहा है, कैसे गलत कर रहा बताइए, उसने अल्लाह की तारीफ नहीं जोड़ा ना, नहीं तो तारीफ के लायक और कोई नहीं है। चलिए एक काम कर, एक बात बताइए कि यहाँ से आपने हकीकी तारीफ ली है या अताई तारीफ ली है? जो भी तारीफ करना, तारीफ अल्लाह ही की है और किसी के तारीफ। अरे भाई मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा ये बताइए, अल्लाह ही के लिए। चलिए ठीक है, ये बताइए साहबा इकराम हुजूर की बारगाह में आए और साहबा इकराम ने ये कहा, ऐ नबी आप जैसा मैंने कायनात में किसी को पाया ही नहीं, ऐ नबी आप हर हर चीज से अफजल है, तो यहाँ साहबा ने तो माशाल्लाह नहीं लगाया, एक मिनट, यहाँ साहबा ने माशाल्लाह नहीं लगाया तो साहबा पे क्या हुक्म लगाएंगे आप? हुकुम क्या लगाएंगे? हाँ थोड़ी लगाने वाले हुकुम नाम नहीं, तो आप भी तो कह रहे हैं कि उनको सिखाइए, आपने तो भी बोला उनको सिखाइए, साहबा को सिखाएंगे आप, साहबा को सिखाएंगे। अच्छा अच्छा, अल्लाह के रसूल ने बताया, सुनिए सुनिए, हम तो वहाँ पे, अब सुनिए, अब सुनिए, अल्लाह के रसूल ने बताया कि यूसुफ अलैहि सलाम इतने खूबसूरत थे कि औरतें अपना हाथ काट लेती थी उनकी खूबसूरती देख करके और उनको पता ना लगता था। तो अब ये बताइए खूबसूरती की तारीफ अल्लाह के रसूल ने कहीं माशाल्लाह तो नहीं लगाया, तो क्या आप अल्लाह के रसूल की पकड़ करेंगे? नहीं, हम कहाँ पकड़ने का, हम कौन होते हैं? अभी तो आप कह रहे हैं कि उनको सिखाना पड़ेगा। अरे तो अल्लाह के रसूल को सिखाएंगे। हाँ तो चलिए, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, अल्लाह के रसूल की सेम बात मैंने बोली कि यूसुफ अलैहि सलाम को का हुस्न इतना अफजल था, इतना अच्छा था कि औरतें जब चलती थी ना उनको देखती थी तो अपना हाथ काट लेती थी, पता नहीं लगता था, तो आप मेरे पे हुक्म लगाएंगे? हुक्म लगाएंगे हम आप पे। अरे मेरे भाई ये सब जो चूरन आप लोगों को चटाया जाता है ना, आपको आधा इल्म सिखाया जाता है, आप सुनिए पूरा इल्म सुनिए, यहाँ से जो मुराद है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ से हकीकी के बेशक हर चीज अल्लाह ने बनाई है, हर चीज का मालिक, कायनात का मालिक अल्लाह है, हर बेहतरीन चीज को बनाने वाला अल्लाह है और हर अफजल चीज और अच्छी चीज यानी नेमतों में खाना, नेमतों में अच्छी चीज सबका बनाने वाला अल्लाह है, तो जब हम उसकी तारीफ करेंगे तो ऑटोमेटिक तारीफ अल्लाह की होगी, इतना सा इल्म आपको नहीं सिखाया जाता है? जब हम किसी दरख्त की तारीफ करेंगे, क्या खूबसूरत दरख्त है, तो ऑटोमेटिक उसकी तारीफ अल्लाह की हो रही है, समझे नहीं समझे? हेलो हेलो, हाँ हजरत वो काट दिया ये समझने वालों में से नहीं है भाई। हजरत एक मिनट, उसमें आपको और बताना चाह रहा था कि इसको एक बार आप ब्लैंक पे लेंगे एक जुमा बाद। हाँ, इससे ये बोल रहा था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तारीफ मत करो। वही तो मैं कह रहा हूँ, इन लोगों को जो चूरन इसलिए कटाया जाता है कि जो इस्लाम 360 एप्लीकेशन है ना, वो धीरे धीरे इनके दिमागों में बिठा दिया जाता है।
ये लोड करके रखा है, वही लोड करके रखेंगे और उसी से ये लोग गुमराह होंगे। हमारे आलिम और हमारी आवाम इस तरफ अभी ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग चिल्ला चिल्ला के हमारा गला पक गया है, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब इनके घर के लोग बिगड़ेंगे ना, तब इनको हमारी याद आएगी। इसको बोले कि देखो इस्लाम 360 है, इसके बारे में अगर जानकारी लेना हो तो मुफ्ती राशिद महमूद रजवी का बयान सुनिए, वो बयान उसके ऊपर दिए हैं। ये इस्लाम 360 ये आदमी तो बयान दिए, ये आदमी अभी चोरी हुआ है। ये आदमी अभी मुझसे कह रहा था कि नहीं माशाल्लाह लगाइए वो गलत है, नहीं ये लगाइए वो गलत है। अरे बेवकूफ आदमी, तुम लोगों को ये सूरन कटाया जाता है, तुम लोग दो चार कुरान की आयतों को पढ़ के, हदीस को पढ़ के खुद मुफ्ती बने बैठे हो। जी जी, अब हमको पढ़ा रहा है वो, बताइए हजरत। इससे एक बार और आप बात करिएगा। हाँ बात तो देखिए हम कर लेंगे, कोई इसमें कबाहत नहीं है जी। लेकिन जो आदमी ये ठान ले कि नहीं भाई अब हमको किसी से समझना ही नहीं है, अब हमको किसी से सीखना ही नहीं है, वो आदमी कभी सुधर नहीं सकता। वो गुमराही पे गया तो गया, तो हम भी अगर गुमराह हो गया, बट एक बार कोशिश और कर लीजिए हमारे लिए हजरत। नहीं हम तो दस बार मतलब हम आपको अरे भाई सुनते हैं मोबाइल, सुनिए सुनिए, हम तो दस बार बयान कोशिश कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दस बार बोलेंगे हम दस बार कोशिश कर लेंगे, ठीक है जी जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अल्लाह के बंदो, बोला कि मैंने मुफ्तियों से बात किया, मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। इसने अभी मेरे से सिर्फ एक सवाल किया, मैंने उसका मुकम्मल जवाब दिया। जी बिल्कुल दिए आप, और मुकम्मल जवाब ऐसा दिया कि एकदम मुदल्लल जवाब दिया। मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये वहाबी देवबंदी क्या सिखाते हैं और क्या पढ़ाते हैं, उसका तोड़ क्या है। जी जी, समझे। अगर किसी मुफ्ती के पास, सुनिए, अगर किसी मुफ्ती के पास सांप का काटा जहर का इलाज नहीं है, तो ये हम अंदाजा नहीं लगाएंगे कि वो मुफ्ती का मर्तबा या मकाम घट जाएगा। अल्लाह ने हर एक हुनर किसी ना किसी को दिया है, समझे नहीं समझे। जी जी, तो एक चौथी क्लास का अनपढ़ आदमी भी सांप का जहर निकाल देगा। जी जी, ठीक है। तो अल्लाह ने हर एक हुनर, और हमें अल्लाह ने ये हुनर अता किया है अपने हबीब के सदके, कि हम ऐसे ऐसे बदबख्तों का, ऐसे ऐसे अल्लाह के रसूल के गुस्ताखों को सबक सिखा सकते हैं। जी, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों का मकाम और मर्तबा मुफ्ती से ऊपर हो जाएगा, माज अल्लाह, समझे नहीं समझे। मुफ्ती हमारे इदारे के मुफ्ती, हमारे आलिम की कदमों की धूल के बराबर भी हम नहीं है, लेकिन सही बात, लेकिन अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि उनकी कदमों के धूल के सदके हम ऐसे लोगों को सबक सिखा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है हजरत, समझदारी होना चाहिए कि अगला आदमी क्या बोल रहा है, समझने को कोशिश तो करें, समझने का कोशिश ही नहीं करते हैं। अब देखिए, मैंने बड़े प्यार से इनसे ये कहा कि सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए, अगर मैं किसी चीज की तारीफ करूँ तो ये कहते हैं माशाल्लाह लगाइए। मैंने बोला नहीं लगाया तो नहीं, ये गलत है, हम उसको सिखाएंगे, तो आइए सिखाइए फिर। सहाबा ने नहीं लगाया हुजूर की तारीफ में, सिखाइए सहाबा को। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं लगाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ में, तो सिखाइए अल्लाह के रसूल को। जी, सब कहते हैं नहीं नहीं उनको मैं कैसे सिखा सकता हूँ। अबे तो उनको नहीं सिखा सकते तो कुरान को समझो ना फिर। जी जी, जो तुमको सिखाना क्या चाह रहा है और तुम सीख क्या रहे हो। जी बिल्कुल सही बात है। अब इसने आपके सामने क्या जुमला इस्तेमाल किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? हमसे बोला था कि हजरत ये कि अल्लाह चाहता है कि सिर्फ हमारा तारीफ हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तारीफ नहीं करो, ये बोल रहा था। तो भैया इसके मुंह से कुफ्र निकल चुका है, अब अल्लाह ही हाफिज है, हम तो समझा देंगे भाई। एक बार हमारे लिए, हमारे क्योंकि फ्रेंड था पहले, हम अभी नहीं बोले कि हमारा फ्रेंड है, क्योंकि देखो हम किसी वहाबी देवबंदी से फ्रेंड नहीं बनते। तो जब तुम्हारा फ्रेंड इस मसलक में घुसने जा रहा था तो उस टाइम क्यों नहीं रोका आपने? हजरत हम बाहर में थे, इसलिए घर पे आया हूँ, तो जब आया तो उनको पता चला, ये पूछने से लगा अरे ये तो बहुत बड़ा खबीज बन गया, हम नूर हसन रजवी का बयान सुनते हैं, फारूक खान रजवी का बयान सुनते हैं, आपका तो इनको क्यों नहीं आदत डाली आपने सुनाने की, सुनता हूँ।
बिल्कुल इसको भेजता था, ये सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं, पता नहीं हम इसको तारिक जमील गए पहले डॉक्टर जाकिर नायक का सुनता था, मैं हाफिज एहसान कादरी वाला चैलेंज भेजा इसको, फारूक खान रजवी वाला भेजा, ये पता नहीं यार क्या मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है क्या हो जाता है दिमाग में, सुनता है समझने की कोशिश ही नहीं करता है। चले ठीक है, अब टाइम कितना हो गया, सवा बारह हो गया, चुपने का टाइम हो गया जी, एक मिनट सुन लीजिए हजरत, एक मिनट, वो बोल रहा था मक्खी वाला जो आयत नहीं है, तुम जिसको पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता है। अरे भाई ये वाला आयत ही हमको बहुत सुनाता था, सुनो बोले की सुनो सुनो, ये तुम्हारे सामने ये आयत पेश करे ना कि जिसको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो उससे ये पूछो कि तुम जो जिंदे को पुकारते हो, जो अपने दोस्त से 100 रुपए के लिए 500 रुपए के लिए मदद मांगते हो, तो क्या तुम्हारा वो दोस्त मक्खी पैदा कर सकता है? तो हम इसको ये नहीं बोले थे, लेकिन इंशाल्लाह बोलूंगा आपके कहने पे, और लेकिन ये बात है उसको ये बोलो कि यहाँ से तो दोनों मुतलकन हो गया, फिर दोनों ही मक्खी नहीं पैदा कर सकता जी, बिल्कुल, चाहे जिंदे को पुकारो चाहे मजदूर पुकारो, तुम्हारे हिसाब से दोनों सिर्क हो जाएगा, दोनों सिर्क हो जाएगा, दोनों मक्खी नहीं पैदा कर सकता। इसको हमने ये फिर भी एक रीजन दिया था चमका की, इसका तफसीर जाके पढ़िए एक बार, तफसीर इसका जलालैन पढ़िए, सुनिए ये जो आयत है ना, ये बुतों के ताल्लुक से, इसी आयत के ताल्लुक से अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने फरमाया कि बदतरीन मखलूक है, खारजी लोग हैं जो एक बुतों के ताल्लुक की नाजिल होने वाली आयतों को ईमान वालों पे चस्पाते हैं। हम ये फारूक खान रिजवी का हम बयान सुनते हैं ना, तो इसमें बताते हैं, आप लोग भी जो गुफ्तगू करते हो ना ये सब टॉपिक पे, तो हम सुनते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे से बतियाते हैं, तो इसलिए तो हम यही बात है, नंबर रखे रहते मांगते हैं। चलिए जुमे का टाइम हो गया है,